हे गाइस, मैं आपको ले गया हूँ और एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो फ़ोन के जो पेड स्टीम है उसे फ्री में कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है RAR आप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर प्ले स्टोर में वो नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, जो आपको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ प्ले स्टोर पर चले जाना है। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, यहाँ पर सर्च करना है बिग लेटर में RAR। सर्च करने के बाद सर्च कर लेनी है। ये देख सकते हैं RAR आप मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद हमारा जो वीवो का थीम ऐप होता है ना, थीम ऐप, उसे न्यू वर्जन में लाना ही है, 6. न्यू वर्जन में, मतलब 6.8. आपको सबका अपडेट मिल गया होगा। जिसका नहीं मिला है वो चेक कर सकते हैं अपडेट। थीम से आपको न्यू वर्जन में लाना ही होगा। लाने के बाद आपको कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ JOYOS, ये वाली थीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो चार्जिंग एनिमेशन का थीम है मैं इसे ही सिलेक्ट करता हूँ। इस फ्री टाल लिखा है ना, फ्री टाल आप ऊपर क्लिक कर लेना। एक बात और, अगर आपका वीवो अकाउंट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा। प्ले स्टोर यूट्यूब में कई सारे वीवो अकाउंट बनाने का वीडियो है, जाकर चेकआउट कर लेना। ये जो फ्री टाल ऊपर क्लिक कर लेनी है, उसके बाद डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लेनी है। ध्यान रहे आपका वीवो अकाउंट होना ही चाहिए, इसको पूरा डाउनलोड नहीं करना है, आधा डाउनलोड ही करना है। मतलब 97% या 99% डाउनलोड नहीं करनी है, ये ध्यान रहे आपकी। थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, नेट थोड़ा सा फास्ट है, इसीलिए हमारी उंगली को भी स्पीड करना चाहिए। टैप पॉज ऐसे करते हैं, ऐसे करके करके हम ले जाएंगे, बनाए जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, हमारा कोई काम है मतलब नहीं रहेगा। जब ये 80 तक पहुंच गया हो, इसे टैप पॉज करते रहना है। 81 तक आ गई है हमारा, 95, 96 और 1%, ओहो पूरी डाउनलोड हो गई। फिर से मैं ट्राई करता हूँ, 18, 40, 90 तक डाउनलोड हो चुके हैं, 97 तक डाउनलोड हो गई है हमारी। हम बैक चले आते हैं, बैकग्राउंड से इसे रिमूव कर लेते हैं। उसका RAR करके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ओपन कर लेते हैं RAR, आपको ओपन करने के बाद .dwd करके फोल्डर लिखेगा, उसे ओपन कर लेनी है। इस ऊपर सी करके फोल्डर लिखेगा, सी करके यहाँ पर टैप करते करते जाना है। लास्ट को टी करके फोल्डर लिखेगा, आप देख सकते हैं टी फोल्डर ही वाली। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर लिखेगा उस आप जो थीम को डाउनलोड किए हैं, थीम का नाम याद रखें, मैं JOYOS ITZ ये वाली थीम को डाउनलोड किया हूँ, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो राइट साइड का है इसे ही सिलेक्ट करनी है। ऊपर 3 का ऑप्शन देख सकते हैं, ऊपर क्लिक कर देते हैं रिपेयर सर्विस। सिलेक्ट करने के बाद 3 पर क्लिक कर लेना है। ऊपर सेकेंड ऑप्शन में लिख रहा होगा रिपेयर अनएक्सेप्ट, यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ये हमारी हो गया। इसे क्लोज का ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, क्लोज का ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर नया बन गया रिब्यूल्टी जो OSITZ, इसे बंद कर लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ जो OS थीम था इसे हमने डिलीट कर लेते हैं, पहली वाली। ये जो रिब्यूल्टी जो OS है इसे हमें रख लेनी है। उसके बाद आ जाएंगे बैकग्राउंड से सारी ऐप रिमूव कर लेंगे। उसके बाद फाइल मैनेजर होता है ना वीवो में, ओपन कर लेंगे इसे। फाइल्स पे चले जाइए,
सॉरी गाइज, ऊपर एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है, सेटिंग आइकन ऊपर दाएं साइड में क्लिक कर लीजिए। डिस्प्ले शो हिडन डायरेक्ट फाइल्स, इसे ऑन कर दीजिए। अगर फाइल्स पर चले जाइए, यहाँ पर .dwd फोल्डर आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद ऊपर सी करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसे टैप करते करते जाना है। जाने के बाद टी फोल्डर में हम चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा रिव्यूडी जो ITZ यहाँ पर आ गई है, इसे सिंपली यहाँ पर कट कर लेते हैं। कट करके बैग चले जाते हैं। इसे कोई भी फोल्डर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डी फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। नीचे एक पेस्ट, आप कैसे पेस्ट करेंगे, नीचे एक मोर का जो ऑप्शन लिखा है ना, सॉरी मैं कॉपी कर लेता हूँ। लॉन्ग टाइप करेंगे, बाएं में लिखेगा कॉपी। मैं इसे कट कर लेनी है, कट। कट पर क्लिक, नीचे एक पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, दाएं साइड में देख सकते हैं पेस्ट। पेस्ट मेरा ऑलरेडी ही पेस्ट है। उसके बाद रिन मोर के अब लॉन्ग प्रेस करेंगे, रिनेम के ऊपर रूम मोर के जाकर रिनेम पे क्लिक कर देंगे। सबसे दाएं में आ जाएंगे, .itz लिखा है, .itz को रिमूव कर लेनी है। उसके बाद डॉट तो पहले ही लिखा है, .zip 1 ही लिखना है। उसके बाद हमें इसे डिसकम्प्रेसिंग कर लेनी है। ये हमारा डिसकम्प्रेसिंग हो गया। बैक चले जाते हैं, जो जीप है ना हम क्रिएट किया था, इसे डिलीट कर लेंगे। जो फोल्डर क्रिएट हो गया, थीम तो क्रिएट हो गया, इसीलिए हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन एंड की। अगर डिस्क्रिप्शन एंड की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मेरा पर डिस्क्रिप्शन एंड की है, यहाँ पर नहीं है, मैं और एक फोल्डर में रखा हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड की को डाउनलोड करनी है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड है। डिस्क्रिप्शन की कहाँ गया, ये नहीं, हाँ मिल गया, ये की और डिस्क्रिप्शन, description.xml। मैं दोनों को कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करके आप डाउनलोड करें तो आपके डाउनलोड फोल्डर में होगा। डिस्क्रिप्शन एंड की डाउनलोड फोल्डर चेक कर लेना। हम थीम को एडिट करते हैं डी फोल्डर में, जो एस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड की कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। हम देख सकते हैं पेस्ट हो गया। बैक चले आएंगे, लॉन्ग टाइप करेंगे, उसके बाद मोर पर क्लिक करेंगे, रिन्यू पर क्लिक कर देंगे। रिव्यूटी जो एस लॉन्ग टाइप करेंगे, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसे कॉपी कर ओके कर लीजिए। बैक चले आइए, इस फोल्डर पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। इस पर कॉम्प्रेस का ऑप्शन दिख, मोर का ऑप्शन क्लिक करके कॉम्प्रेस कर लेनी है। यहाँ पर रिमूव कर लेनी है जिप फाइल को। पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट कर लीजिए। लॉन्ग टाइप कर पेस्ट कर लेना। उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेनी है, कंप्रेसिंग हो रहा है। रिव्यूटी जो एस एक जिप क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कट का ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे कट, सिंपली कट कर बाहर लेकर पेस्ट कर लेते हैं। जो फोल्डर है ना, फोल्डर को हमें पूरी फोल्डर डिलीट कर लेनी है। रिव्यूटी जो एस जिप में हो गया, फिर से रंग लॉन्ग टैप्स कर इसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद रीनेम ऊपर टाइप करके रिव्यूटी जो ओएस ZIP लिखा है, ZIP को रिमूव करके डॉट तो पहले से लिखा है ITZ, याद रखो ITZ लिखना है। उसके बाद ओके कर लेनी है, इसे लॉन्ग फ्रेश कर रखना है। इसका नीचे कट का ऑप्शन दिख रहा है, कट कर लीजिए। इसे बैक चले जाइए, टी फोल्डर में आकर इसे पेस्ट कर लेनी है। पेस्टेड सक्सेसफुल हो गई है। बैकग्राउंड से सारी ऐप रिमूव कर लेनी है। रिमूव करने के बाद जो थीम साफ होता है ना, थीम साफ ओपन कर लेनी है। लोकल में चले जाइए, उसके लोकल थीम पर चले जाकर देखते हैं। ये वाली थीम हमारी फ्री में डाउनलोड हो गई, आप देख सकते हैं। ये वाली थीम हमें 97 तक डाउनलोड किया था, आप देख सकते हैं। ये वाली थीम हमारी आ गई, देख सकते हैं। डायरेक्टली अप्लाई के लिए ही बोल रहा है। दो हो गई है थीम हमारी। इसे हमें आधा डाउनलोड किया था, 97 तक। कंटिन्यू पर लॉन्ग फ्रेश कीजिए, डिलीट कर लीजिए। ये हमारा डिलीट हो गया, देख सकते हैं। ये वाली हमारे फ्री में अप्लाई हो गई। चाइनीज़
अक्षर में लिखा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 1 सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल में 3 सब्सक्राइबर है। अगर आप इसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, मैं आपको और एक वीडियो समझा लूँगा। मैं जिस तरह समझाता हूँ आप लोगों को, और कोई यूट्यूबर नहीं समझता होगा आप सभी को। प्लीज़ एक सब्सक्राइबर कर लो। आप देख सकते हैं हमारा थीम फ्री में डाउनलोड हो गया है। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।